आज के समस्त मोदी समाज राष्ट्रीय महासम्मेलन में उपस्थित, मंच पर मेरे साथ उपस्थित श्रीमान सोमभाई मोदी, श्रीमान पूर्णेश भाई, रामनारायण साहू जी, उमेश साहू जी, मुरारी गुप्ता जी, राकेश राठौड़ जी, अशोक राठौड़ जी, हसमुख भाई मोदी जी, श्री राजेश आजाद जी, श्री रघुवरदास जी, श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, श्री चुन्नीलाल साहू जी, श्री अरुण साहू जी, श्री निरंजन भाई राठौड़ जी, श्री रूपचंद प्रसाद जी, श्री विजय हटवार जी और उनके साथ बैठे हुए देश भर से पधारे हुए समस्त मोदी समाज के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी गण और आज अहमदाबाद की धरती पर आए हुए समग्र देश से आए हुए मोदी समाज के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा स्वागत करना तो इसलिए भी बनता है कि मैं यहां से ही अहमदाबाद से ही सांसद चुनकर जाता हूं। आप सभी लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे शहर में आए तो मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यहां पर मेरे पूर्व वक्ताओं के भाषण मैंने सुने और देश भर में जब पार्टी का मैं अध्यक्ष था तब भी और आज भी मैं दौरा लगाते रहता हूं। शायद ही कोई ऐसी तहसील होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला तेली साहू राठौड़ मोदी समाज का व्यक्ति हमें मिला नहीं होगा। अनेक प्रकार के नामों से, अनेक प्रकार से कामों से टुकड़े टुकड़ों में बिखरे हुए समाज को सालों के बाद एकत्रित करने का आज प्रयास हो रहा है। मैं मंच पर बैठे हुए सभी एकत्रीकरण के सूत्रधारों को और विशेषकर सोम भाई को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि समाज जब एकत्रित होता है तो एक ताकत की निर्मिति होती है और सज्जन सज्जन शक्ति भी संगठित होती है। मैं जब उत्तर प्रदेश में काम करता था, रामनारायण जी को बार बार मिलता था, वो हमेशा ये कहते थे कि गांव में अमित भाई एक तेली को साथ में ले लो, आधा गांव साथ में आ जाएगा। और आज इतना बड़ा समाज, अनेक टुकड़ों में बिखरा हुआ समाज आज यहां पर एकत्रित आता है, न केवल समाज के लिए, देश के लिए भी शुभ सुकून है, शुभ निश्चिन्ह है। मित्रों, आज माता मोगेश्वरी देवी के सभी उपासक जो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे थे आज एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा देश भर को होने वाला है। और आज मैं यहां आया हूं तब जिक्र छेड़ा अध्यक्ष जी ने कि वे हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं एक बात आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। मोदी जी का एक बार भाषण सुना था मैंने, ऑनलाइन सुना था, शायद उस वक्त सोम भाई भी मंच पर थे। मूड वर्डिंग समाज का कोई फंक्शन एसजी हाईवे पर एक बड़ा हॉल वगैरह बना है, इसका उद्घाटन था, शैक्षणिक संकुल बना है इसका उद्घाटन। मोदी जी ने बड़े गर्व से कहा था कि 21 साल हो गए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए मेरे समाज का एक भी व्यक्ति मेरे पास सिफारिश लेकर नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समाज ने अपने दम पर, अपनी ताकत पर आगे बढ़ा है। और जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, मिलना ही चाहिए
और मिलेगा भी, आप जरा भी चिंता मत करिए। परंतु समाज के अंदर जो कौवत है, जो सज्जन शक्ति है, इसके आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। पुरुषार्थ के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने वाला ये समाज है। और ऐसा कहते हैं कि तेली समाज की उत्पत्ति कहां से हुई, तो जब गुस्से में आकर भगवान शिव ने गणपति का मस्तिष्क काट डाला, तो बाद में पछतावा हुआ, तो नवजात हाथी के बच्चे का मस्तिष्क काटकर गणपति पर बिठाया गया। तो हाथी का मालिक जो था, उसका आभार कैसे व्यक्त करना, तो भगवान शिव ने उसको तल में से तेल निकालने की विद्या सबसे पहले दी और उसका ऋण चुकाने का काम करा, तभी से तेली समाज की शुरुआत हुई। तो जिस समाज पर स्वयं शिव का आशीर्वाद हो, वो समाज आज इतना बड़ा फल फूल कर एकत्रित आता हो, तो हमें बहुत, सभी को बहुत आनंद और गर्व होता है। मित्रों, मोदी जी ने गुजरात में एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते काम कर गुजरात के गांव गांव में घूमकर नवयुवाओं को प्रेरित कर एक बहुत बड़ा संगठन 25-30 सालों की मेहनत से बनाया। और वो संगठन के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, इसकी एक ऐतिहासिक संरचना मोदी जी ने गुजरात में की। और जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के नाते करे हुए कामों के आधार पर जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश को गर्व हो इस प्रकार से इन्होंने देश को चलाया है। और जहां तक ओबीसी समाज का सवाल है, पिछड़े समाज का सवाल है, आजादी के 75 साल में जितने साल कांग्रेस का शासन रहा, हमेशा ओबीसी समाज को कांग्रेस ने निग्लेक्ट करने का काम करा, कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया, कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ओबीसी समाज के सम्मान का एक नया सिलसिला प्रधानमंत्री जी ने करा, मोदी जी ने किया, और एक प्रकार से देश को ओबीसी समाज का सबसे पहला प्रधानमंत्री देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ढेर सारे मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी ने दिए। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पहली बार देश के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पहले केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन नहीं था, रिजर्वेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नीट की एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं था, वो रिजर्वेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ओबीसी के युवा उद्योजकों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ओबीसी की सूची में संशोधन की भी, बार बार संशोधन की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की। आज तक कांग्रेस लगभग 56 साल तक देश में शासन पर रही, परंतु कभी भी ओबीसी समाज के सम्मान के लिए एक भी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में अनगिनत चीजें ऐसी कर दी जिसे ओबीसी समाज को उठकर खड़ा होकर अपना मजबूत स्थान प्राप्त करने में कोई बाधा न रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ इस देश के गरीबों के घर में हर प्रकार की सुविधा पहुंचे,
इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की, और वो चिंता इसलिए की कि नरेंद्र मोदी जी भी एक गरीब के घर में जन्म लेकर लोकतंत्र के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार इतनी गरीबी में से निकला हुआ आदमी देश का प्रधानमंत्री। गरीब के घर की पीड़ा को जानने वाले इस व्यक्ति ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ घरों में शौचालय भेजा, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 3 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाई, 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में कर दी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के तहत, और इसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया, और वो हमेशा के लिए अब 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ओबीसी समाज हो, गरीब समाज हो, सबको ये चिंता थी कि जो पैसे वाले हैं, जो पोजीशन वाले हैं, जो आगे हैं, वो तो कोरोना से कुछ भी कर बच जाएंगे, गरीब का क्या होगा। परंतु गरीब हो या तवंगर, सबको एक लाइन में खड़ा कर 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मेरी बहन को कोरोना के काल के बाद अमेरिका से यहां आना था, टिकटें हो गई थी, वीजा हो गया था, सब कुछ हो गया था, टिकट कैंसिल कर दी। मैंने फोन किया, क्यों कैंसिल कर दी टिकट? तो उसने कहा हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो वैक्सीनेशन तो कब का हो गया? क्या सर्टिफिकेट 60 दिन के बाद मिलता है अमेरिका में, और आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर 2 ही मिनट में मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ गया। टेक्नोलॉजी का उपयोग समाज में नीचे से नीचे रहे व्यक्ति के फायदे के लिए कैसे हो सकता है, इसका काम प्रधानमंत्री जी ने किया। बिहार से यहां मजदूरी के लिए रहते हुए, सूरत में रहते हुए, अहमदाबाद में रहते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना राशन लेना है तो राशन कार्ड की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाएगा तो 1 किलो गेहूं यहां लेगा, 4 किलो गेहूं उसका परिवार वहां लेगा, दोनों को मुफ्त गेहूं मिल जाएगा, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज इसका गेहूं, इसका चावल चोरी नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने पूरा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। सरकार की 300 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में सहायता भेजने की शुरुआत कर आज बिचौलियों को इस देश से समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया। और आप सबको गौरव होना चाहिए, हमें तो है ही, हम साथ में काम किए हैं, वो गुजरात के हैं, और देश के लिए भी गौरव है, मगर आप सबको गौरव होना चाहिए कि मोदी जी आपके समाज के लिए काम। और ये राठौड़ तेली साहू मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। 11वें स्थान पर भारत का अर्थतंत्र था, आज 5वें स्थान पर ला दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी हम 2025 तक बना देंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य है मित्रों। स्मार्टफोन कंजम्पशन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, मोबाइल निर्माता में दूसरा में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, तीसरा नंबर का एविएशन मार्केट बढ़ गए, ऑटो मार्केट में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए, तीसरे बड़े स्टार्टअप के जिस देश में हैं
दुनिया में इसमें तीसरे नंबर पर आ गए और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर। ये 9 साल की यात्रा भारत की, एक और 61 साल की यात्रा, एक और 65 साल की यात्रा और एक और 9 साल की यात्रा, दोनों में मोदी जी के 9 साल का पलड़ा भारी है। इस प्रकार से देश चलाकर उन्होंने दिखाया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, पहले भी एक बार सोम भाई ने मुझे बुलाया था, 18 या 19 में सूरत में सम्मेलन था, मैं सूरत में आया था, आज आपने फिर से बुलाया। आज तो आप मेरे क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र तो नहीं है मगर इसी शहर से मैं चुनकर जाता हूं, वहां पर आप आए हैं, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। आपने मेरा सम्मान किया, मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता यहां पहली मंच की हरोल में बैठे हुए दिखते हैं, सभी का आपने सम्मान किया, इसलिए मैं हृदय से आपका धन्यवादी हूं। और पुणेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है, बड़ी मजबूती से लड़ी है, हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान होता है। और पुणेश भाई ने लड़ाई को बहुत खंत से, सटीक तरीके से और परिणाम लक्षी तरीके से लड़ा है, विजय भी हुए हैं। मैं आप सभी को और पुणेश भाई को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि समाज के सम्मान की लड़ाई को आप लोग लड़े हो और हम सब, पूरा देश आपके साथ है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मिलने का मौका दिया, विशेषकर पुणेश भाई और सोम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद यहां बुलाकर देश भर के राठौड़, साहू, तेली, मोदी समाज के मिलने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपके इन प्रेरणादायी वचनों के लिए धन्यवाद। समस्त गुजराती मोढ़ मोदी समाज के माननीय अध्यक्ष एवं मोदी समाज का सर्वश्रेष्ठ रत्न, परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी